गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग गाइस? सुप्रभात सभी को। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करिए और सभी लोग कनेक्ट हो जाइए फटाफट से। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियास न्यू पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट, ठीक है, भारत का नया पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट क्या है और वो कैसे डील करने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं गाइज। मेरा नाम प्रिया कुमारी है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अन अकेडमी के इस चैनल पे, मिशन यूपीएससी पे, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, साथ ही आप लोग मुझे स्पेशल क्लास के थ्रू फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा और फॉलो करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जो शाम को 6 बजे की क्लास मैं आप लोगों के लिए लगाती हूँ उन क्लासेस के बारे में आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से मिल जाएगी और आपको सारी चीजें प्रॉपरली पता चल जाएंगे, ठीक है। सो सेशन की शुरुआत करते हैं गाइस, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, आप अपने प्रेजेंट स्टेट से अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंचना चाहते हैं जो कि है यूपीएससी या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे 100 से भी ज्यादा टॉप एजुकेटर्स हैं जिनका कई सालों का एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी के फील्ड में, जो कि आपको एक सही दिशा दिखा सकते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है गाइज। आप 2021, 2022, 2023 किसी भी ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। 2021 के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। आप इतने टाइम में किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करके एग्जाम क्रैक करें इसके बारे में हमारे टॉप एजुकेटर्स आपको बहुत ही प्रॉपरली बताएंगे और आपको सही दिशा दिखाएंगे। हमारा ये जो कोर्स है ये 21 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो कि जीएस का बैच बाइलिंगुअल जो है वो कराने वाला है। इसमें आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी सारी चीजें मिलेंगी, हिंदी में भी आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। सो 2021 के लिए आप ये वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने का, 2022 के लिए 1 साल का सेशन और 2023 के लिए 2 साल का सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आपको कराई जाएगी। इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो कोई भी कोर्स के लिए आप लोगों को अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है आप मेरे रेफरल कोड को यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बस रेफरल आपको याद रखना है, प्रिया 11 मेरा रेफरल कोड है, कैपिटल लेटर्स में मेरा नाम लिखना है PRIYA और 11, ठीक है। सो प्रिया 11 ये मेरा नाम है, इसको यूज कर लीजिएगा और इसको यूज करने से आपको इन सभी कोर्सेज में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो चलिए गाइज इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो करंट क्या है न्यूज में वो देखते हैं। तो अभी अभी जो यूनियन कैबिनेट है उसने एक प्रपोजल पास की थी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को कि वो एक पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को सेटअप करे, ठीक है। ये जो इनिशियली ये एक नेशन वाइड नेटवर्क है पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट का, जिसको जो है पब्लिक डेटा ऑफिस के द्वारा यानी पीडीओ के द्वारा पब्लिक कॉल ऑफिस के बाद जो है इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब भारत सरकार के द्वारा पब्लिक कॉल ऑफिस के बाद इसको जो है पब्लिक डेटा ऑफिस के टर्म को लाया गया है, ताकि भारत में पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट का नेटवर्क जो है नेशन वाइड प्रोवाइड कराया जा सके और साथ में भारत के सभी लोगों को जो है एक नेशन वाइड नेटवर्क लैंडलाइन सर्विसेज की पब्लिक पे फोन्स की प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। सो गाइस बात ये है कि आखिर इंडिया में एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क की जरूरत क्यों है, ठीक है। सो जो ये पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है जिसको पीएम वाणी कहा जा रहा है, ठीक है, ये जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस है इसको क्या कहा जा रहा है, इसको पीएम वाणी कहा जा रहा है। ये जो है सबसे पहली बार टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी तराई जो है
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तराई के द्वारा जो है 2017 में रेकमेंड किया गया था। ठीक है, सो सबसे पहली बार पीएम वानी तराई के द्वारा 2017 में रेकमेंड किया गया था, और उसके बाद रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क को सेटअप करने के लिए रेकमेंडेशंस दे दी हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पीएम वाणी का जो इंटरफेस है, इससे कई सारी चीजों में डेवलपमेंट होने वाली है, कई सारी चीजों में ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, इससे क्या होने वाला है, इससे जो ऐप प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा। जो ऐप प्रोवाइडर्स हैं इनको ये एक नेटवर्क पे रजिस्टर कर पाएगा, पेमेंट्स जो है जितने भी सब्सक्राइब्ड नेटवर्क्स हैं या फिर जितने भी नियर बाय हॉटस्पॉट्स हैं उन सभी के थ्रू पेमेंट्स ये करवा सकेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसको किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है ये भी इसमें पॉइंट है। It is maintained by the Center for the Development of the Telematics, that is CDOT, for the details of the app which is provided by PDOS and the PDOs. ठीक है, इसके साथ साथ गाइस यहाँ पे अगर देखें तो this will also establish to maintain and cooperate the complement Wi-Fi access point or the routers and deliver the broadband services to the subscribers. ठीक है, तो ये broadband services भी subscribers तक पहुंचाने वाला है, Wi-Fi services, Wi-Fi access points के साथ ये operate करने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ इन सभी चीजों को ये establish भी करेगा और maintain भी करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये कई सारे functions भी perform करेगा जो कि इन सभी अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजों के लिए या ऑथोराइजेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, सो पीएम वाणी इंटरफेस क्या है ये आप समझ चुके। नाउ हम बात करेंगे कि ये जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है, इस नेटवर्क की भारत में आखिर जरूरत क्यों है, व्हाई इट इज नीडेड इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहला इसमें पॉइंट है गाइस कि भारत में वाईफाई नेटवर्क की जरूरत, सिंपल सी बात है, जो इंटरनेट सर्विसेज है उसके प्रोलिफिकेशन के लिए, कंट्री में इंटरनेट सर्विसेज के प्रोलिफिकेशन के लिए जो है इसकी जरूरत है। ठीक है, पीडीओस के साथ साथ जो बेसिक हमारे स्मॉल रिटेल आउटलेट्स है पूरी की पूरी कंट्री में, जो लेंथ और ब्रेथ कंट्री का होता है, लास्ट स्माइल कनेक्टिविटी जो है वो इस पे एडमिट किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी ऑफर किया गया है कॉमन मैन के लिए, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। ठीक है, अर्बन एरियाज की अगर बात की जाए तो अर्बन एरियाज में जो सफिशिएंट मोबाइल डेटा कवरेज है, मोबाइल इंटरनेट टैरिफ्स की वो भी जो है इंक्रीज करने की इसमें कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा डिजिटल इंडिया का विजन है वो अचीव करने में ये वाईफाई नेटवर्क हमें हेल्प करेगा। अगर हम देखें जून 2015 से लेके जून 2020 तक इंडिया जो है 302 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स से 750 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। इतना बड़ा जो है भारत में इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, सो दिस इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 20%, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से भारत पूरे दुनिया का एक जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट पूरे दुनिया में एक उसने भी नाम अपना खड़ा किया है। ठीक है, अगर गाइस यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, डिजिटल विजन की बात करें, तो इसके थ्रू डिजिटल विजन को भी अचीव किया जाएगा, और इस चीज की जरूरत है कि इसीलिए एक रेजिलिएंट और रिलायबल जो कनेक्शन है वो हर एक इंडियन को प्रोवाइड किया जाए, सो दैट हर एक इंडियन जो है वो हर जगह से एक्सेस कर सके, हर जगह से अपने जो पर्टिकुलर काम है उसको वाईफाई के थ्रू अफोर्डेबल प्राइसेस पे उस भारतवासी या उस इंडियन को मिल सके। ठीक है, सो ये इसका विजन है, ये इसका टारगेट है, और इसी वजह से भारत में एक अच्छे नए पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए इस पीएम वाणी को लॉन्च किया है। इसके अलावा पोटेंशियल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इन सभी चीजों में फायदे तो हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ इसके आने से
जो एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर है या फिर जो जॉब सेक्टर है, लगभग 2 करोड़ लोगों को इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी लगभग 2 करोड़ लोगों को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कनेक्टिविटी लोगों को तो प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है और एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज भी लोगों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर पीएम वाणी। ठीक है, इसके अलावा इट विल फर्दर एड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, तो बिजनेस करने में इसके थ्रू आसानी होगी। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छा होगा तो आप हर एक काम आसानी से कर सकते हैं, फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। आपकी लिविंग जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन हो पाएगी, ईज ऑफ लिविंग, आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, एज इट विल एनेबल द स्मॉल शॉपकीपर्स टू प्रोवाइड द वाईफाई सर्विसेज एज वेल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं वो भी वाईफाई सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग। नाउ गाइस, हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स तो हैं लेकिन चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, नई पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट जो है पीएम वाणी, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला खतरा है नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, ज्यादातर जो वाईफाई हॉटस्पॉट होते हैं इनमें एनक्रिप्शन नहीं होती। ठीक है, एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि इनको एक पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से इन्हें प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो इनमें प्रॉपरली एनक्रिप्ट इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती, इसीलिए जो इंटरनेट या फिर इसीलिए ये सिक्योर नहीं होते। हम कह सकते हैं कि ज्यादातर वाईफाई हॉटस्पॉट सिक्योर नहीं होते। ठीक है, इसकी वजह से लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, वो किसी गलत हाथ में जा सकते हैं या फिर वो हैक हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी ये समस्या है। दूसरे यहाँ पे पॉइंट के बारे में बात करें तो इंडियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट जो नेटवर्क है वो इंटरनेट को, ये सभी पॉइंट्स को साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस चीज का यहाँ पे नोट किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी है, यानी नो योर कस्टमर एंड अ मिक्स ऑफ ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड और मैक आईडी बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया के पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट सिस्टम में हमसे मांगा जाता है। ठीक है, हमें 3 चीजें करनी पड़ती है वाईफाई या हॉटस्पॉट के लिए। सबसे पहले केवाईसी हमें फिल करना पड़ता है, ओटीपी हमें देना पड़ता है और मैक आईडी जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम पे इंडिया का वाईफाई हॉटस्पॉट जो नेटवर्क है वो बेस्ड है। ठीक है, सो देयर बाय मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से जो नेटवर्क सिक्योरिटी की समस्या है या जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और वो कॉम्प्रोमाइज होने से थोड़ा बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखे पॉइंट, तो जो मैक ऑथेंटिकेशन मेथड है दैट ग्रांट्स द एक्सेस टू अ सिक्योर नेटवर्क बाय ऑथेंटिकेटिंग द डिवाइसेस फॉर द एक्सेस टू द नेटवर्क। ठीक है, मैक ऑथेंटिकेशन मेथड की वजह से जो नेटवर्क है वो सिक्योर हो पाएगा, ऑथेंटिकेटिंग डिवाइसेस से सिक्योर हो पाएगा ताकि जो नेटवर्क है उसको प्रॉपर एक्सेस मिल सके। ठीक है, नाउ गाइस, वाईफाई के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इतने देर से हम बात कर रहे हैं इंडिया के नए पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट पीएम वाणी के बारे में। तो वाईफाई क्या है? वाईफाई एक तरह का नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडियो वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर शॉर्ट डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, वाईफाई जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैंस को अलाउ करता है ताकि वो बिना केबल के भी ऑपरेट कर सके, बिना वायरिंग के भी ऑपरेट कर सके, जिसकी वजह से जो पॉपुलर चॉइस होती है होम या फिर बिजनेस नेटवर्क्स की वो पॉसिबल हो पाए। ठीक है, इसके अलावा वाईफाई जो है वो एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस भी प्रोवाइड करता है कई सारे मॉडर्न डिवाइसेस के लिए, जैसे कि लैपटॉप हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट कंप्यूटर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग वगैरह हो गया। ठीक है, इसके अलावा गाइज वाईफाई जो है वो डिवाइसेस को भी एनेबल करता है जिसकी मदद से डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं व्हेन दे आर नियर टू दैट पर्टिकुलर
वाईफाई नेटवर्क या वाईफाई एक्सेस, ठीक है। तो वाईफाई के थ्रू आप जो है आपके डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, जिनको हम हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। तो ये सारी तो बहुत कॉमन चीजें थी जो आप में से सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा, इंटरेक्टिव लगा, और आपको पता चल पाया इंडिया के नए पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट पीएम वाणी के बारे में। यह आपके एग्जाम के जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये टॉपिक कवर होता है आपका इंडियाज़ न्यू पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट, ठीक है गाइस। सो इसको डेफिनेटली गो थ्रू करिएगा, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एंड बेनिफिट यू फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको पसंद आया। जाने से पहले ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे आप लोग जो है जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, वहां पे आप लोग कोई भी सवाल या पीडीएफ वगैरह हो तो वहां पे आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। ये मेरा अनअकैडमी का रेफरल कोड है, इस कोड को यूज करके कोई भी कोर्सेज आप ले सकते हैं, हर कोर्स में आपको इस कोड से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही इस कोड को आप स्पेशल क्लासेस के लिए भी यूज करते हैं कर सकते हैं। सिर्फ मेरे ही नहीं, किसी भी एजुकेटर के स्पेशल क्लास के लिए आप ये कोड यूज करके और उनके स्पेशल क्लास को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। जाने से पहले गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे सेशन से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। जाने से पहले ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसको फॉलो करने से जो स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए शाम को 6 बजे लगाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। आज भी स्पेशल क्लास है शाम को 6 बजे, मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे हमारी स्पेशल क्लास होती है गाइज, इसको मिस मत करिएगा, इसको जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहे, आप सभी ने अपना इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया। कल दोपहर 1 बजे गाइज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ रही हूं, तो सॉरी आज दोपहर 1 बजे ही ये सेशन लेके आ रही हूं मैं, गलती से कल बोल दिया, ठीक है। तो आज दोपहर 1 बजे आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ रही हूं, इस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। फिर मिलते हैं दोपहर 1 बजे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।